आ गई है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी BIRC की जानिब से 2022 के 33वें हफ्ते की लेटेस्ट TRP रिपोर्ट सामने, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टार प्लस की फुल TRP लिस्ट। तो किस शो को मिला कौन सा पायदान, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए अपने फेवरेट सीरियल का नाम। शुरुआत करते हैं नंबर 10 की पोजीशन से, जिस पर बाजी मारी है आनंदी बा और एमिली ने, जिसने हासिल किए हैं 0.7 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 9 की पोजीशन की, जिस पर है यशर उघानी स्टारर शो कभी कभी इत्तेफाक से, जिसने हासिल किए हैं 1.1 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। 8वें पायदान पर इस वीक शिनी दोषी स्टारर शो पांड्या स्टोर है, जिसने हासिल किए हैं 1.5 की रेटिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 7 की पोजीशन की, जिस पर है रविवार विद स्टार परिवार का राज 1.6 की रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इस वीक 6 पोजीशन पर है उल्का गुप्ता स्टारर शो बनी चाओ होम डिलीवरी, जिसे हासिल किए हैं 1.9 की रेटिंग पॉइंट्स। बात करते हैं इस वीक की 5th पोजीशन की, जिस पर है हर्षा चोपड़ा स्टारर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसे हासिल किए हैं 2.0 की रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की पोजीशन की, जिस पर है गुल खान के शो इमली का राज, जिसमें जनरेशन लीव की वजह से ये शो लाइमलाइट में आ गया है और इस शो ने हासिल किए हैं 2.1 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। इस वीक की 3rd पोजीशन पर है एकता कपूर का शो यह चाहते हैं, जिसने हासिल किए हैं 2.2 की रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं इस वीक की 2nd पोजीशन की, जिस पर है आशा सिंह स्टारर शो गुम है किसी के प्यार में, जिसने हासिल किए हैं 2.3 की रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं उस शो की जिसने छोड़ा सबको पीछे और पहना नंबर 1 का ताज, तो वो शो और कोई नहीं, वो शो है अनुपमा, जो कर रहा है स्टार प्लस पर राज, जिसने हासिल किए हैं 2.9 की रेटिंग पॉइंट्स। इससे पहले हमने 2022 में स्टार प्लस पर से ऑफर होने वाले शोज के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।